इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंजंक्टिविटीज, जिसे कि पिंक आई भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं, कॉजेस, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। तो चलिए देखते हैं कॉजेस। तो जो कंजंक्टिविटीज होता है तो वो होता है वायरसेस से, बैक्टीरिया से या फिर एलर्जन से। अगर वायरसेस से अगर होता है तो कॉजिंग एजेंट रहेगा एडेनो वायरसेस, और बैक्टीरिया से अगर होता है तो रहेगा स्टेफाइलोकोकस ओरियस, नहीं तो स्टेफाइलोकोकस निमोनी। और अगर एलर्जन से हो जाता है तो फिर पोलन फ्रॉम ट्री, प्लांट और ग्रास से होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिम्टम। तो पहला जो सिम्टम्स आता है तो वो पहला सिम्टम रहेगा, जो आँख रहेगी वो रेड कलर की या तो पिंक कलर की हो जाएगी। अगर ये सिम्टम्स नहीं मिलता है तो आँखों की स्वेलिंग होगी या फिर टीयर का जो प्रोडक्शन रहेगा वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके आँख में किसी फॉरेन बॉडी ने इंसर्ट किया है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको रब करेंगे। तो ये रहेंगे सिम्टम। तो उसके बाद कुछ और सिम्टम्स है, लाइक इचिंग इज देयर, इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन, और डिस्चार्ज और पस और म्यूकस। ये कब होता है, डिस्चार्ज और पस जब इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो जाता है तब होता है डिस्चार्ज ऑफ पस और म्यूकस फ्रॉम द आइज। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो ट्रांसमिशन होगा वो होगा क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट, सो दिस इज द प्राइमरी कॉज, सच एज टचिंग और सेकिंग हैंड। टचिंग से या फिर सेकिंग से भी कंजंक्टिविटीज ट्रांसफ़र हो सकता है। और द एयर बाय कफिंग और स्नीजिंग, अगर कोई पर्सन सफरिंग हो चुका है कंजंक्टिविटीज से तो उसके कफिंग से या फिर स्नीजिंग से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। टचिंग एन ऑब्जेक्ट और सरफेस विथ जर्म ऑन इट, अगर से फॉर एग्जांपल कोई पर्सन कंजंक्टिविटीज से सफर है और उसने स्नीजिंग या कफिंग किया है, अगर वही जगह पे आपने टच किया और विदाउट हाथ धोए आपने अगर आँखों को टच किया तो आपको भी कंजंक्टिविटीज हो सकता है। उसके बाद आता है डायग्नोसिस। मैंने पहले बताया था कि जो कंजंक्टिविटीज होता है वो वायरसेस, बैक्टीरिया और एलर्जन से हो सकता है। इसमें से सबसे डेंजर जो होता है वो होता है वायरसेस की वजह से, और उसको ट्रीट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये कौन कंफर्म करेगा, द डॉक्टर विल कंफर्म यू आर सफरिंग फ्रॉम विच काइंड ऑफ इन्फेक्शन, आइदर वायरल कंजंक्टिविटीज, बैक्टीरियल और एलर्जन। और समटाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंफर्म, सो देयर इज़ अ नीड टू लेबोरेटरी टेस्टिंग। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है, वॉश यूर हैंड ऑफ्टन विथ सोप और वार्म वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकंड, सो दिस इज प्राइमरी प्रिकॉशन। सेकंड प्रिकॉशन दैट इज अवॉइड टचिंग और रबिंग योर आइज, आँखों को ज़्यादा टच नहीं करना है, और अगर ज़्यादा टच किया है तो उसको रब नहीं करना है। अगर ये भी कर लिया तो आँखों को टच करने के बाद आपके जो हैंड रहेंगे वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, उसको प्रॉपर वॉश करना है। और आप अगर इन्फेक्टेड है और आई ड्रॉप डिस्पेंसर यूज़ कर रहे हैं तो एक इन्फेक्टेड आई रहेंगी और दूसरी नॉन इन्फेक्टेड आई रहेगी, तो सेम डिस्पेंसर को यूज़ नहीं करना है। आपके पिलोज रहेंगे, सीट रहेंगे, उसको डिटर्जेंट्स या हॉट वाटर में क्या करना है, उसको वॉश करना है। और डू नॉट यूज़ स्विमिंग पूल, मतलब स्विमिंग पूल का यूज़ नहीं करना है, इससे ज़्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, सेल्फ केयर करके आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, या फिर एंटीबायोटिक लेकर, नहीं तो एंटी हिस्टामाइन ड्रग लेकर आप कंजंक्टिविटीज को क्योर कर सकते हैं। थैंक यू।
Bye.